पहला है चीन ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को लॉन्च किया। पहले जानते हैं चीन के बारे में। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है और इनके प्रधानमंत्री ली क्विंग को 5 साल का दूसरा कार्यकाल मिला है। चीन की संसद ने प्रधानमंत्री ली क्विंग के 5 वर्ष के बाद दूसरा कार्यकाल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनको मनोनीत किया था। अब जानते हैं रॉकेट के बारे में, जो लॉन्ग मार्च 5 है। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट हैनान प्रांत में वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट के द्वारा सिजियान 20 नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का भार 8 टन है और चीन का सबसे भारी एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। लॉन्ग मार्च 5 चीन का विशालकाय है, 2 चरणों वाला रॉकेट है ये और 25 टन के भार को ले जाने में सक्षम है ये। इसकी ऊंचाई जो है टोटल 57 मीटर है और इसका टेक ऑफ भार 870 टन। यह 1000 टन से अधिक का थ्रस्ट उत्पन्न करता है, 1000 टन का थ्रस्ट उत्पन्न करता है ये। तो दोस्तों इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं। एक तो है सिजियान नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया है और ये सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नाम है लॉन्ग मार्च 5। अगला देखते हैं, रक्षा मंत्री ने डिफेंस एक्सपो 2020 मोबाइल ऐप लॉन्च की। ये डिफेंस एक्सपो कौन सा है? 11th डिफेंस एक्सपो है 2020, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। ये द्विवार्षिक है, मतलब साल में 2 बार होता है और इसका आयोजन पहली बार 5 फरवरी 2020 से किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में भारतीय रक्षा उपयोगों की क्षमता तथा निर्यात क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। पिछली बार 2018 में चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ये हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और एक चीज़ और साथ साथ बताते चलते हैं आपको, पहले रक्षा मंत्री कौन थे भारत के? पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। इनको चिकित्सा विज्ञान में 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डिफेंस एक्सपो 4 दिवसीय इवेंट है और भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का इसमें मौका मिलेगा। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और इसकी थीम है भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। इस बार का जो थीम है वो है भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। इस प्रदर्शनी का फोकस रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन होगा। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो के द्वारा विदेशी उपकरण निर्माताओं को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिलेगा और इससे मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री का जो मेक इन इंडिया है उसको बढ़ावा मिलेगा। अगला है MiG-27 लड़ाकू विमान को सेवा निवृत्त किया गया। जानकारी इसकी यह है कि पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध का हीरो लड़ाकू विमान MiG-27 वायुसेना से रिटायर हो गया। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में 7 लड़ाकू विमानों ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस दौरान वायुसेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। विदाई के दौरान MiG-27 को सलामी भी दी गई। MiG-27 ने 3 दशक तक भारतीय वायुसेना की सेवा की। 7 लड़ाकू विमान वाले इस स्क्वाड्रन को 31 मार्च 2020 को नंबर प्लेटेड किया जाएगा। ये नंबर प्लेटेड कब किया जाएगा? 31 मार्च 2020 को। और जोधपुर एयरबेस पर हुई इस डी इंडक्शन सेरेमनी में वायुसेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। वायुसेना में अब MiG-27 की जगह MiG-21 लड़ाकू विमान लेगा। MiG-27 की जगह पे अब MiG-21 लड़ाकू विमान वायुसेना में आएगा। ले ली है, मतलब जगह ले ली है। 3 दशक से अधिक की उल्लेखनीय सेवा के बाद भारतीय वायुसेना ने MiG-27 लड़ाकू विमान वायुसेना स्टेशन जोधपुर से एक भव्य समारोह में डिकमीशन किया गया
कहां से किया गया? जोधपुर से। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1985 में शामिल किया गया था यह विमान, और MiG-27 ने 1999 के कारगिल युद्ध में भी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन 29 इकलौती यूनिट है जो MiG-27 के अपग्रेडेड वेरिएंट का अब तक इस्तेमाल करती आ रही है। MiG-27 2006 का उन्नत वेरिएंट आखिरी स्क्वाड्रन में अब तक सक्रिय रहा है। MiG-27 पहले ही भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं। MiG-23MF, MiG-23BN और विशुद्ध MiG-27 पहले ही भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, और अब MiG-27 भी रिटायर हो गया। क्रिकेट से इंपॉर्टेंट चीज है, पूर्व क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को 2019 के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। क्रिस श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये 12 जनवरी को होगा अवार्ड फंक्शन जिसमें इनको सम्मानित किया जाएगा। पूर्व कप्तान श्रीकांत 1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम के सदस्य थे। अंजुम चोपड़ा जो हैं भारतीय महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं, और श्रीकांत और अंजुम को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। 2019 के लिए इनको ये अवार्ड मिलेगा, और 1981 से 1992 तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था किसने? क्रिस श्रीकांत ने, और ये 60 साल के हैं। 43 टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व कर 2062 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 2 शतक और 12 अर्धशतक लगाए। 1982 वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था क्रिस श्रीकांत ने, और 2009 से 2012 तक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे। 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता था, जो टीम चुनी गई थी वो क्रिस श्रीकांत के मार्गदर्शन में ही चुनी गई थी। और अंजुम चोपड़ा की अगर बात करें तो वो 42 साल की हैं, और प्रमुख महिला क्रिकेटरों में इनकी गिनती की जाती है। मिताली राज से पहले उनका ही दबदबा था क्रिकेट में, और 12 टेस्ट मैच में 548 रन उन्होंने बनाए हैं। 127 इंटरनेशनल वनडे में 31.38 के औसत से 2856 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 1 शतक और 18 अर्धशतक लगाए। भारत की तरफ से 18 इंटरनेशनल T20 मैच भी खेल चुकी हैं अंजुम चोपड़ा। ये अर्थ जगत से न्यूज है। SBI शुरू करेगा 10,000 रुपए से अधिक की नगद निकासी पर OTP वेरिफिकेशन फीचर। ये ATM से अगर आप कैश निकालते हैं 10,000 से ऊपर तो उस पर OTP वेरिफिकेशन फीचर लागू होगा। 8 बजे से, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि 8 बजे से, रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ATM से अगर 10,000 रुपए से अधिक कैश निकाला गया है तो OTP बेस्ड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है किसने? SBI ने। यह फैसला ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने और सुरक्षित लेन देन के लिए किया जाए है। और नया सिस्टम कब लागू होगा? 1 जनवरी 2020 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। अक्सर ATM कार्ड बदलकर धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, इसलिए इस सिस्टम को लागू किया जा रहा है। बुक से रिलेटेड है। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म का विमोचन किया गया। कुंवर RP सिंह, ये इनका फोटो है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं। 1997 से 99 तक युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं ये, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं। RPN सिंह को भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री, भारत सरकार पेट्रोलियम राज्य मंत्री व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। 7 दिसंबर 2000 को इन्होंने, सोनिया सिंह NDTV की पत्रकार हैं, उनसे उन्होंने शादी की, और ये पडरौना के गहरवार सूर्यवंश से ताल्लुक रखते हैं जिसे लोग पडरौना के राजा साहब के नाम से भी बुलाते हैं। इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म जिसका विमोचन किया गया।
जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था, ये क्वेश्चंस हैं, इनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइए और अगले वीडियो में मैं इनका आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों की संख्या कितने करोड़ के पार पहुंची? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कितने करोड़ जो है घरों के पार प्रधानमंत्री आवास योजना की संख्या हो गई है। दूसरा क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में किस पुल का उद्घाटन किया गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिनका निधन हुआ है कौन है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तीन क्वेश्चन है, इनका आप आंसर दीजिए और अगले वीडियो में मैं आपको इनका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कल मैं फिर आपको शेयर करूंगा इन तीन क्वेश्चंस के आंसर के साथ।